तो दोस्तों, आज से सप्ताह भर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि अजीत डोवाल सर की अध्यक्षता में भारत की एक प्रतिनिधि टीम अमेरिका जा रही है और अमेरिका से वहां पर होने वाला है बायलेटरल डायलॉग। और दरअसल इसे नाम दिया गया है इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी ICET। इसके तहत किन किन चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी अमेरिका और भारत के बीच में, किस तरह से इन फ्यूचर डिफेंस के साथ साथ स्पेस तक सहयोग बढ़ेगा, ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको एकदम ही डिटेल में बताई थी। एक एक बारीक बारीक चीज़ भी इसमें मैंने मेंशन की है कि आखिर ये इनिशिएटिव क्या है और किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में ये डायलॉग होने जा रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे पिन कॉमेंट में इसका लिंक दे दूंगा। तो अब हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का डेलीगेशन अमेरिका पहुंच चुका है और वहां पर बातचीत हो भी चुकी है। अजीत डोवाल साहब के अलावा अगर देखा जाए तो इसरो के चीफ, DRDO के चीफ और कई सारे इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स अमेरिका इस समय गए हैं और वहां पर अमेरिका के काउंटर पार्ट के साथ उन्होंने अपनी बातचीत शुरू कर दी। और नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है कि भारत अमेरिका की जो रिलेशनशिप है ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारत दो मामलों में दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके लिए अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। चलिए आगे आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात बनी है और किस तरह से अमेरिका वही वाली सारी शर्तें भारत के लिए मानने को तैयार है जो कि डोनाल्ड ट्रंप मारने वाले थे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि यहाँ पर फाइटर जेट के इंजन को लेकर डील दोनों देशों के बीच में लगभग पूरी हो चुकी है। एक फाइनल ऑफिशियली मंजूरी वाला प्रोटोकॉल जो बाकी है उसे पूरा कर लेगी जनरल इलेक्ट्रिक। उसके बाद भारत के अंदर फाइटर जेट के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और तेजस मार्क 2 से लेकर MCA तक सारे फाइटर जेट के लिए इंजन घरेलू लेवल पर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ TOT की भी बात की जा रही है, यानी इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को की जाएगी। इन फ्यूचर इसको लेकर भारत के अंदर लगभग पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका होगा और भारत के लिए इंजन बनाना उसके बाद खुद के बूते वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि अगर ये लाइसेंस वेरियंट पर भी भारत के अंदर बनता है ये इंजन, इसकी टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं भी मिलती, फिर भी ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में हम लोग इलेक्ट्रिक के इंजन इस्तेमाल करते हैं हमारे कई सारे फाइटर जेट के अंदर। इन फ्यूचर अगर भारत अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप सामान्य नहीं रहे, किसी तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए, तो ऐसी परिस्थिति में इन इंजन्स को लेकर जितनी भी मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत होगी, ओवरहॉलिंग की जरूरत होगी, स्पेयर पार्ट संबंधित, वो सारी कुछ हम लोग खुद के बूते कर पाएंगे। तो SU-30 को लेकर जिस तरह से हमें एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक इसी तरह का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इस इंजन को लेकर भी इस डील के बाद पक्का हो जाएगी। तो कहने का मतलब भारत के फाइटर जेट मेंटेनेंस के अभाव में या फिर स्पेयर पार्ट्स के अभाव में कभी भी ग्राउंडेड नहीं हो सकते। तो इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि भारत पहला देश है, यानी अमेरिका के इंजन कई देशों में और बनाए जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने आज तक इस तरह से किसी भी देश को नहीं की, भारत पहला देश है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चाइना को लेकर भारत का इम्पोर्टेंस अमेरिका के मन में क्या है। दूसरी चीज देखें अगर तो यहाँ पर MQ-9 बीट प्रीडेटर ड्रोन को लेकर भी डील बहुत ही जल्द होने वाली है और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जितनी भी प्रोसेस है उसे फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। जी हाँ, 2017 में दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी समय से भारत इन ड्रोन्स को अक्वायर करना चाहता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस। ये ड्रोन वैसे तो बहुत महंगे हैं, क्योंकि केवल 30 की संख्या में हमें लेने के लिए $3 बिलियन पे करने होंगे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले इन्हें लीज पर ले चुकी है और काफी समय इसका इस्तेमाल किया है। तो सर्विलांस के हिसाब से इस तरह के ड्रोन्स का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और इस बार जो हम लोग डील कर रहे हैं वो सर्विलांस के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि इसका अटैक वेरिएंट खरीदा जा रहा है। तो नेवी काफी समय से प्रयास कर रही थी, भारत सरकार को मनाने की कोशिश कर रही थी कि ये ड्रोन हर हाल में आप खरीद लीजिए, 30 खरीदे जाएंगे, हम जानते हैं कि 10-10 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को दे दिए जाएंगे, तो इनसे पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हमारी कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगी। दुश्मन के 2 या 3 ड्रोन के बराबर ये अकेला ड्रोन बड़ी आसानी से होता है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के समय हमें कई सारे और भी फायदे मिल रहे थे इस डील को लेकर, यानी ये डील काफी ज्यादा महंगी थी, इस वजह से भारत ने इसको लेकर कई सारी शर्तें भी रखी थी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की जा रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप के समय इसकी डील अगर हो गई होती तो ये सारी चीजें हमें मिल सकती थी साथ में, लेकिन उस समय डील नहीं हुई और बाद में फिर आ गए जो बाइडेन, तो इन्होंने कुछ चीजों को लेकर भारत को इनकार कर दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच में इसको लेकर बात हमेशा हुई, जब भी बायलेटरल टॉक हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 ड्रोन के लिए हर हाल में बातचीत हुई है, अमेरिका बहुत ज्यादा पुश कर रहा है इन्हें।
लेकिन भारत भी अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ था और भारत चाहता था कि इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। अगर पूरी नहीं भी होती तो कुछ हद तक हमें कुछ क्रूशियल पार्ट्स की टेक्नोलॉजी दी जाए जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे स्वदेशी ड्रोन में भी कर सकें और साथ ही इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो ताकि भारत के अंदर भी इनको लेकर इकोसिस्टम डेवलप हो सके। अब इन सबको लेकर कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि 60% मैन्युफैक्चरिंग इसकी भारत के अंदर ही की जाएगी, यानी कुछ ड्रोन पहले बने बनाए आ जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे ड्रोन उनको फिर भारत में बनाया जाएगा। तो 40% सीधे रेडीमेड आएंगे, 60% हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो जाएंगे और साथ ही कई सारे कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी भी हमें मिलेगी जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे आर्चर ड्रोन में या फिर उसके अलावा रुस्तम 2 में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अब खबरें वही निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने इसको लेकर बहुत ज्यादा पुश किया है और भारत को लगभग मनाने की सारी कोशिशें की गई है और बताया जा रहा है इस डील को लेकर जितना भी प्रोसेस है उसे फास्ट ट्रैक करते हुए इस डील को जल्द से जल्द खत्म करने का इरादा अमेरिका रख रहा है। अब भारत के पाले में बॉल है, देखिए भारत इसके बाद क्या निर्णय लेता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।